जो टॉपिक ही है एटॉमिक बॉन्ड्स। अ केमिकल बॉन्ड इज अ लास्टिंग अट्रैक्शन बिटवीन एटम्स और आयंस दैट इनेबल्स द फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड क्रिस्टल। इसका मतलब ये हुआ एटॉमिक बॉन्ड्स क्या है या केमिकल बॉन्ड क्या है, केमिकल बॉन्ड्स क्या है, ये आपका अट्रैक्शन बिटवीन एटम्स है। जैसे एक को ये एटम हो गया और एक दूसरा एटम हो गया, इसके बीच का जो ये अट्रैक्शन है इसे, या आप क्या बोलेंगे, हम ये बोल सकते हैं जो ये दो आयंस हो गई, एक प्लस आयन हो गई एक माइनस आयन हो गई, इसके बीच का जो अट्रैक्शन है वो क्या करता है, उसकी वजह से क्या होता है, ये एक मॉलिक्यूल फॉर्म कर लेता है। और इस प्रक्रिया को आप क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बॉन्डिंग। और इससे ये क्या होता है, और मॉलिक्यूल्स और मॉलिक्यूल्स के बीच का जो अट्रैक्शन होता है, इसकी वजह से क्या होता है, एक क्रिस्टल फॉर्म हो जाता है। तो ये पूरी प्रक्रिया होती है, क्या होता है, जो हमारी बेसिक फंडामेंटल यूनिट होती है, सबसे छोटी यूनिट होती है, वो होती है परमाणु। और परमाणु से अणु कैसे बनता है और उसके बाद एक क्रिस्टल का रूप कैसे ले लेता है, तो वो पूरा का पूरा जो आपका है परमाणु बंध से आप समझ सकते हैं। द बॉन्ड में रिजल्ट फ्रॉम द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन अपोजिटली चार्ज आयंस एज इन आयनिक बॉन्ड। तो आयनिक बॉन्ड का हम एक उदाहरण ले लेते हैं, यहाँ पे क्या होता है, दो आयंस होती हैं, एक प्लस आयन होती है एक माइनस आयन होती है, और इनके बीच में इतना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इनके बीच में एक अट्रैक्शन बल होता है, इनके बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, जिसकी वजह से ये क्या होता है, एक बॉन्ड बना लेते हैं, और जिसकी वजह से एक मॉलिक्यूल NaCl का बन जाता है। और थ्रू द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और किसी किसी में क्या होता है, जैसे कि O2 में क्या होता है, जैसे ऑक्सीजन में क्या होता है, O2 में क्या होता है, यहाँ पे ये क्या करते हैं, ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कर लेते हैं, मतलब ये इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेते हैं, ये एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ शेयर कर लेते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, एक बॉन्ड बन जाता है। तो जो आपके परमाणु होते हैं, ये इनके बीच में कैसे बॉन्डिंग हो रही है, कैसे ये बॉन्ड बना रहे हैं, और कितने तरीके के बॉन्ड होते हैं, ये सब हम इसमें देखने वाले हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि जो बॉन्ड्स होते हैं, वो दो तरीके के होते हैं। आपके इसमें बॉन्ड्स कितने तरीके के होते हैं, आपके जो बॉन्ड्स होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक होता है प्राइमरी बॉन्ड और दूसरा होता है सेकेंडरी बॉन्ड। जो प्राइमरी बॉन्ड होता है उसमें क्या क्या आ जाता है, प्राइमरी बॉन्ड्स में क्या होता है, जो एटम्स के बीच में बॉन्डिंग होती है, उसे हम बोलते हैं प्राइमरी बॉन्ड्स, और जिन जो बॉन्डिंग आपकी मॉलिक्यूल्स के बीच में होती है उसे क्या बोलते हैं, हम सेकेंडरी बॉन्ड्स बोलते हैं। तो सेकेंडरी बॉन्ड्स जो होते हैं उनको हम कभी कभी मॉलिक्यूलर बॉन्ड्स भी बोल देते हैं, और जो हमारे प्राइमरी बॉन्ड्स होते हैं उसमें क्या आ जाता है, वो आपके एटम्स के बीच में होती है, वो तीन प्रकार के मेनली होते हैं, आपके आयनिक, कोवलेंट एंड मेटेलिक बॉन्ड। तो आपके जो प्राइमरी बॉन्ड्स होते हैं वो मेनली तीन तरीके के होते हैं, आयनिक, कोवलेंट और मेटेलिक बॉन्ड। तो अब हम इनको थोड़ा सा डिटेल में कवर करने वाले हैं। आयनिक बॉन्डिंग, आयनिक बॉन्डिंग इज अ टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड्स विच इन्वॉल्व्स अ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एटम और मॉलिक्यूल्स टू अनदर। तो इसमें क्या होता है, आयनिक बॉन्ड में क्या होता है, आयनिक बॉन्ड में जैसा कि ये बोल रहा है, आयनिक बॉन्ड में क्या होता है, एक एटम से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, जैसे ये आपके पास एक एटम हो गया, एक एटम से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम में चला जाता है, और दूसरे एटम जो होता है वो इसके इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें आपका ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाता है। तो आयनिक बॉन्ड में क्या होता है, आयनिक बॉन्ड में ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो जो आपके इसमें क्या होते हैं, दो आयन्स का फॉर्मेशन हो जाता है, एक आयन क्या होती है, एक आयन के ऊपर प्लस चार्ज आ जाता है और एक आयन के ऊपर माइनस चार्ज आ जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे आपका जो जो आपका Na है, सोडियम है, ये क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन जो इसके पास है ये क्या करेगा, स्टेबिलिटी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है स्टेबिलिटी। ये क्या चाहते हैं, ये अक्रिय बनना चाहते हैं, ये नोबल गैस बनना चाहते हैं, ये जितने भी आपके सामने जो भी एटम होता है ये क्या बनना चाहते हैं, ये आपके सामने नोबल गैस बनना चाहते हैं। और नोबल गैस मतलब अक्रिय बनना चाहते हैं। नोबल गैस के आखिरी शेल में क्या होता है, आखिरी शेल जो होता है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि ये क्या करना चाहते हैं, ये स्टेबल होना चाहते हैं, ये संतुष्ट होना चाहते हैं। और संतुष्ट होने के लिए इनकी आखिरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, इनकी आखिरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। मतलब जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपके आखिरी कक्षा के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितने होने चाहिए, 8 होने चाहिए। और अगर ये इलेक्ट्रॉन्स 8 नहीं होंगे तो ये क्या होगा, ये बॉन्डिंग करेंगे, बॉन्डिंग करके ये क्या करेंगे, स्टेबिलिटी गेन कर लेंगे और एक मॉलिक्यूल बना लेंगे और एक स्टेबल मॉलिक्यूल बन जाएगा। तो आयनिक बॉन्ड्स में क्या होता है, आयनिक बॉन्ड में क्या होता है कि हमारा इसमें क्या होता है, एक डोनर होता है, एक एक्सेप्टर होता है, मतलब एक दे रहा होता है, एक दाता होता है, और एक क्या होता है, उसको ले रहा होता है। तो जो दे रहा होता है इसके ऊपर क्या होता है, प्लस चार्ज आ जाता है। अगर इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को दिया तो इसके ऊपर प्लस आ जाएगा, और जो एक्सेप्ट कर रहा है एक इलेक्ट्रॉन उसके ऊपर एक बार माइनस आ जाएगा। अगर ये दो देगा तो 2+ हो जाएगा, और वो दो एक्सेप्ट करेगा तो 2+ हो जाएगा। इसको आप एक इस तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे बिल ग्रेट जो हैं, दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति जो थे पहले, ये क्या कर रहे थे, ये अपने आंतरिक शांति के लिए ये लोगों को दान दे रहे थे। तो इन्होंने बहुत सारे लोगों को बहुत सारी एक्टिविटीज़ में दान दिया। तो ये क्या हो गया, ये डोनर हो गए, या जो राजा प्रजा को क्या करता है, दान करता है, तो ये डोनर हो गए। और जो प्रजा होती है या जो गरीब लोग हैं, उन्होंने क्या किया, इनके दान को एक्सेप्ट किया, तो ये क्या हो गया, ये एक्सेप्टर हो गए। तो आयनिक बॉन्ड में क्या होता है, आयनिक बंध में क्या होता है, एक
डोनर होता है, एक दे रहा होता है और एक ले रहा होता है, और इसके इनके बीच में क्या हो जाती है, इनके बीच में एक बॉन्डिंग हो जाती है, जिसे आप क्या बोलते हैं, जिसे आप बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। द अदर एटम डेवलप्स अ पॉजिटिव चार्ज एंड इज कॉल्ड अ कैटायन। तो जो पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर लेता है उसको आप क्या बोलते हो, उसको आप कैटायन बोलते हो। तो जो पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर लेता है उसको आप क्या बोलते हो, कैटायन बोलते हो। तो अगर हम एनए प्लस सी एल माइनस का एग्जाम्पल ले रहे हैं तो एनए प्लस जो है ये क्या है, ये आपकी एक कैटायन हो गया। और जो आयन बॉन्ड गेन्स स्ट्रेंथ फ्रॉम द डिफरेंस इन चार्ज बिटवीन टू एटम्स। तो इस बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ होती है, वो स्ट्रेंथ कहाँ से आती है, इस बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ होती है वो यहाँ से आती है, क्योंकि दोनों के जो चार्ज होते हैं, दोनों के दोनों जो आयंस होते हैं, एक कैटायन होता है एक एनायन होता है, और दोनों के बीच में क्या होता है, एक डिफरेंस होता है, और वही आपकी बॉन्ड की स्ट्रेंथ बन जाता है। तो हम यहाँ से समझ चुके हैं कि आपके आयनिक बॉन्ड क्या होते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमने इसमें एक डायग्राम में भी शेयर किया हुआ है, ये आप देख सकते हैं, ये आपके बैलेंस सेल में क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है, और ये जो इलेक्ट्रॉन है इसके आखिरी शेल में है, और ये क्या है अभी अनस्टेबल है, और ये भी अनस्टेबल है, और इसमें आप देख सकते हैं इसमें क्या है, इसमें 7 इलेक्ट्रॉन है, और होने कितने चाहिए आखिरी होने के लिए, स्टेबल होने के लिए, संतुष्ट होने के लिए, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो ये क्या करेगा, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है तो ये भी अनस्टेबल है। अब ये क्या करेगा, दोनों ही स्टेबल कैसे बन सकते हैं, अगर ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दे तो इसके पास 8 हो जाएंगे, इसके पास 1 हो जाएगा, तो ये स्टेबल हो जाएंगे। तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, इस प्रक्रिया को बोलते हैं आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन। मतलब एक इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल कर जाता है, इसको आप क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। अब अगला जो बॉन्ड है हमारे पास वो क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड। तो कोवेलेंट बॉन्ड को हम थोड़ा सा देख लेते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, सहसंयोजी संबंधन या संबंध। तो इसमें क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्डिंग या सहसंयोजी, मतलब कोवेलेंट, इसमें क्या होता है, शेयरिंग होती है। तो यहाँ पे क्या होता है, आ कोवेलेंट बॉन्ड इंडिकेट्स द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन एटम्स। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे एक एटम ये हो गया, एक एटम ये हो गया, इनके बीच में क्या होती है, इनके बीच में शेयरिंग हो जाती है। तो शेयरिंग होने से क्या होता है कि जो एक के एटम होते हैं वो दूसरे के साथ भी शेयर हो जाते हैं। और ये ऐसा क्यों करते हैं, जैसा कि हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, ये ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि इसकी भी आखिरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, और इसकी आखिरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, और स्टेबिलिटी पाने के लिए, संतुष्ट होने के लिए इनकी आखिरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, इनकी आखिरी कक्षा में जो है 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, यहाँ भी 8 होने चाहिए, यहाँ भी 8 होने चाहिए। तो इनके पास जो होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते, तो ये क्या करते हैं, शेयरिंग कर लेते हैं। इसका एक एग्जांपल आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे कोई भी एक होटल है, ये आपके पास एक होटल हो गया, यहाँ पे एक 100 रुपये की थाली है। अब यहाँ पे क्या है, एक आपके पास एक व्यक्ति ए है और एक व्यक्ति आपके पास बी है। अब ए के पास भी जो है वो 60 रुपीज़ है और बी के पास भी जो है 60 रुपीज़ है। अब जो होटल में थाली है, ये थाली जो है वो 100 रुपये की है, ये दोनों व्यक्ति को भूख लगी हुई, तो ये दोनों व्यक्ति क्या कर सकते हैं, अब ये दोनों व्यक्ति ये क्या कर सकते हैं, ये दोनों व्यक्ति आपस में क्या कर सकते हैं, शेयरिंग कर सकते हैं। शेयरिंग कैसे कर सकते हैं, ये दोनों एक साथ जाएंगे यहाँ पे और क्या करेंगे, एक थाली ले लेंगे और एक थाली में शेयरिंग करके दोनों ही व्यक्ति इसमें खाना खा सकते हैं। तो इससे क्या होगा, दोनों ही दोनों व्यक्ति एक समान वहाँ पे जाके खाना खा सकते हैं, और वहाँ पे खाना खाने के बाद क्या कर सकते हैं, अपने आप को संतुष्ट कर सकते हैं, मतलब आप दोनों ही सेटिस्फाई हो जाएंगे खाना खाने के बाद। तो कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड में शेयरिंग होती है, जिसमें दो आपके जो एटम्स होते हैं, जो आपके दो एटम्स होते हैं, तो उसमें क्या होता है, इसमें आपकी शेयरिंग हो जाती है, और शेयरिंग की वजह से क्या होता है, दोनों के दोनों सेटिस्फाई हो जाते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो दोनों परमाणु होते हैं तो उनमें सेटिस्फेक्शन हो जाती है, क्योंकि वो शेयरिंग कर लेते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आप हम एक एग्जांपल ले रहे हैं CH4 का, तो CH4 का यहाँ पे एग्जांपल ले रहे हैं। अब जो कार्बन होता है, कार्बन की आखिरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कार्बन की आखिरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और आपका जो हाइड्रोजन होता है इसके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमने यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन लगा दिया, तो इसने क्या किया, यहाँ पे ये दोनों इलेक्ट्रॉन शेयरिंग कर ली। अब हम इस हाइड्रोजन से पूछते हैं आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसका मतलब ये है कि ये स्टेबल हो गया, क्योंकि इसकी अगर एक कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे तो ये स्टेबल हो जाएगा। अब हम इस वाले के पास आते हैं, हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन लगा दिया, और इसने क्या किया, इसके साथ शेयरिंग कर ली। तो अब हम इस हाइड्रोजन से पूछें आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो इसके पास भी 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, उसी तरीके से यहाँ भी 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए और यहाँ भी 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से ये पता चल गया कि जो चारों हाइड्रोजन है वो स्टेबल हो गए। अब हम आते हैं आपके ऑक्सीजन के पास, तो जब हम ऑक्सीजन के पास आएंगे तो हम ऑक्सीजन से कार्बन के पास आएंगे तो हम कार्बन से देखेंगे तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, तो आप देख सकते हैं अब इसके पास भी शेयरिंग की वजह से 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसका मतलब क्या हुआ, CH4 आपका स्टेबल हो गया। किस वजह से स्टेबल हो गया, ये आपका कोवेलेंट बॉन्ड की वजह से स्टेबल हो गया। तो जो आपके कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं ये आपके 3 प्रकार के मेनली होते हैं, और ये कई प्रकार के आगे भी बांटे जा सकते हैं कि शेयरिंग आपके किस ऑर्बिटल के बीच में हो रही है, या किस सब सेल के बीच में हो रही है, एस के बीच में हो रही है, पी के बीच में हो रही है, डी के बीच में हो रही है, या एफ के बीच में हो रही है।
तो ये आगे फर्दर भी क्लासिफाई किए जा सकते हैं, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के हिसाब से अगर हम बांटें तो आप देख सकते हैं ये आपका होता है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, जिसमें क्या होता है एक इलेक्ट्रॉन जो होता है दो के बीच में शेयर किया जाता है। फिर डबल कोवेलेंट बॉन्ड जिसमें दो इलेक्ट्रॉन आपके शेयर किए जाते हैं। फिर होता है ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड जिसमें क्या होता है आपके तीन इलेक्ट्रॉन इसमें शेयर किए जाते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है जो शेयरिंग होती है उसके बेसिस पे आप कोवेलेंट बॉन्ड जो होते हैं स्वसंयोजी बॉन्ड होते हैं उनको बांट सकते हो। जैसे कि आपका हो गया सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, दूसरा हो गया डबल कोवेलेंट बॉन्ड, उसके बाद हो गया ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। तो इसमें आप क्या कर सकते हो, इसमें आप इनको अलग अलग तरीके से बांट सकते हो। अब हमारे पास एक तरीके का बॉन्ड और होता है इसी में ही जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको भी हम समझ लेते हैं। ध्रुवीय स्वसंयोजी बंध या पोलराइज्ड कोवेलेंट बॉन्ड या पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, ये क्या होता है। कोवेलेंट बॉन्ड्स कैन बी आइदर बी पोलर और नॉन पोलर इन नेचर। जो आपके बंद होते हैं ये क्या हो सकते हैं, ध्रुवीय या अध्रुवीय हो सकते हैं, पोलर या नॉन पोलर हो सकते हैं। इन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स केमिकल बॉन्ड्स इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड अनइक्वली सिंस द मोस्ट मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पुल्स इलेक्ट्रॉन पेयर क्लोजर टू इटसेल्फ एंड अवे फ्रॉम द लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। वाटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ सच अ पोलर मॉलिक्यूल। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि जो एटम सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो क्या करेगा, जो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो क्या करेगा, अपनी तरफ आप इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेगा, ज़्यादा खींच लेगा। अब जैसे ये है, ये आपके पास दो एटम्स हैं, एक ये है ए, एक ये है बी, ये जो है ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मतलब ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया। अब ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, जो शेयरिंग होगी मतलब जो इसके इलेक्ट्रॉन की जो शेयरिंग होगी, जो ये इलेक्ट्रॉन इसका इलेक्ट्रॉन और ये जो अपने ये दो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है, ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है, ये क्या करेगा इस शेयरिंग को अपनी तरफ थोड़ा सा अट्रैक्ट कर लेगा। तो जो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ है, ये जो शेयरिंग हो जाएगी वो यहाँ हो जाएगी, मतलब इसके इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के पास में और जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है इसके दूर। तो इससे क्या होगा, जिस जो भी आपका एटम है, जो भी आपके पास परमाणु है, उसके पास में जिस जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा ये क्या करेगा, उस बंध को उस बॉन्ड को अपनी तरफ आकर्षित कर लेगा। तो जो यहाँ पे पोलराइजेशन की वजह से क्या कर रहा है, वो अपनी तरफ आकर्षित कर ले रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका ध्रुवीकरण हो जाएगा। अ डिफरेंस इन चार्ज अराइजेज इन डिफरेंट एरियाज ऑफ द एटम ड्यू टू द अनइवन स्पेसिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द एटम्स। तो जो आप ये जानते हैं कि जो अनइवन स्पेसिंग होती है, जैसे एक आपका ये कोई एटम हो गया और इसमें आपके चार सेल हो गए और यहाँ पे कोई एक एटम हो गया इसमें एक ही सेल है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इनके बीच की जो स्पेसिंग है वो अनइवन हो गई है। तो इसकी वजह से क्या होगा, इसमें एक जो आपका एटम होगा वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा और एक इसमें कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। तो जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा वो क्या करेगा, जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनको अपनी तरफ आकर्षित कर लेगा, अपनी तरफ पोलराइज कर लेगा। तो जो बॉन्ड होगा वो दोनों ही एटम के सेंटर में ना होकर ये एक तरफ आपका बायस्ड होगा, एक तरफ पोलराइज होगा, तो ये एक तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो ये क्या होगा, इसको आप क्या बोलेंगे, इसको आप बोलेंगे पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। अब इसी क्रम में एक हमारे पास और बॉन्ड आता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कंपेयर टू आयनिक एंड कोवेलेंट बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड इज अ वीक फॉर्म ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। तो जो आपका कोवेलेंट बॉन्ड होता है, सहसंयोजी बॉन्ड होता है, और जो आयनिक बॉन्ड होता है उससे जो आपका हाइड्रोजन बॉन्ड होता है ये वीक होता है, मतलब उससे कुछ ये कमजोर होता है। इट इज अ टाइप ऑफ पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। तो ये इसका जो एग्जांपल है आपके सामने वो क्या है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, मतलब जो आपका इसमें जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन होता है इसमें जो बॉन्डिंग होती है वो क्या होती है, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स होती है। जो आपकी H2O होता है इसमें क्या होता है आपका पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स बिटवीन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन वेयर द हाइड्रोजन डेवलप्स अ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो हाइड्रोजन जो होता है एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज इसमें डेवलप कर लेता है, और इसके जो बीच में बॉन्डिंग बनती है ये कौन सी होती है, इसको आप बोलते हो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दिस क्रिएट्स अ टेंडेंसी फॉर हाइड्रोजन टू बी अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज ऑफ एनी नेबरिंग एटम। तो क्या होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो हाइड्रोजन होता है वो थोड़ा सा अट्रैक्टेड होता हो जाता है कहाँ, नेगेटिव चार्ज की तरफ। तो अभी हमने ऊपर देखा था पोलराइज बॉन्ड, तो इसका पोलराइज बॉन्ड का इसमें एक ये एग्जाम्पल है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग में भी थोड़ा सा पोलराइजेशन होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो आपका हाइड्रोजन होता है वो आपका जो इसका नेबरिंग एटम होता है उसकी तरफ ये अट्रैक्ट हो जाता है। दिस टाइप ऑफ केमिकल बॉन्डिंग इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसको हम थोड़ा सा चित्र में और अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये H2O का फॉर्मूला लिखा हुआ है, इसमें क्या है आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो आपका यहाँ पे जो बॉन्डिंग हो रही है, इसके बीच में जो बॉन्डिंग हो रही है, यहाँ पे क्या हो जा रहा है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनता जा रहा है। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड क्या हो रहा है, जो आपका एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है ये क्या करता है, एक जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है ये क्या करता है, दूसरा जो आपका हाइड्रोजन है इसको क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस क्रिएट्स अ टेंडेंसी ऑफ हाइड्रोजन टू बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज ऑफ एनी नेबरिंग एटम। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो नेबरिंग एटम है वो नेबरिंग एटम क्या है, ऑक्सीजन का है, और ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये क्या करेगा, ये हाइड्रोजन के एटम में एक फोर्स लगाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, जो हाइड्रोजन एटम है वो इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, जिसको आप क्या बोलते हैं, जिसको आप बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। अब
इसी क्रम में जो अगला टॉपिक है हमारा, जो अगला जो आपका बॉन्डिंग बच गया वो क्या बन गया, मेटेलिक बॉन्ड्स। अब मेटेलिक बॉन्ड्स इंपॉर्टेंट है और जो बच्चे सेमी कंडक्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू से इसको पढ़ रहे हैं तो उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप देख सकते हैं मेटेलिक बॉन्ड्स इज अ टर्म यूज टू डिस्क्राइब द क्वालिटेटिव शेयरिंग ऑफ अ सी ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो इसमें क्या होता है, आपके पास एक क्रिस्टल लैटिस होता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, ये क्रिस्टल है पूरा का पूरा, ये क्या है, ये क्रिस्टल है और इसमें क्या है, ये इसमें क्या है, एटम्स हैं, इसमें परमाणु है और परमाणु में क्या है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स भी आसपास घूम रहे हैं जिसको आप बोलेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन या फ्री इलेक्ट्रॉन। तो इसमें आप क्या कह सकते हैं, मेटेलिक बॉन्ड इज अ टर्म यूज टू डिस्क्राइब द क्वालिटेटिव शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सी ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या बोल रहे हैं, ये सी ऑफ मतलब समुद्र बोल रहे हैं, मतलब जो आपका मेटेलिक बॉन्ड होता है वो बॉन्ड क्या होता है, मेटेलिक बॉन्ड जो होता है ये आपके किसी भी एटम के बीच में अट्रैक्शन होता है, किस वजह से, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि एक समुद्र है उसमें क्या है, समुद्र जो है वो नेगेटिव आयंस का है मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का है या फ्री इलेक्ट्रॉन्स का, उसमें जो पॉजिटिव आयंस हैं ये क्या है, ये आपके न्यूक्लियस हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सेवरल पॉजिटिव चार्ज मेटेलिक आयंस, तो इसमें क्या है, जो मेटेलिक आयंस हैं जो आपकी ये प्लस वाली जो मेटेलिक आयंस हैं ये इसी सी में क्या है, ये एक ग्लू की तरह, एक गोंद की तरह चिपकी हुई है एक दूसरे से, और किस, और जो ग्लू का काम क्या कर रहा है, ग्लू का काम कर रहा है आपका जो आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इन मेटेलिक बॉन्ड्स एटम्स गिव देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म क्लाउड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच इज शेयर्ड बाय ऑल एटम्स, सच टाइप ऑफ बॉन्ड्स एग्जिस्ट बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स हैविंग लूजली हेल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स सो दैट दे कैन बी इजली रिलीज टू अ कॉमन पूल। तो ये जो आपकी बॉन्डिंग होती है ये उन इलेक्ट्रॉन्स या उन एटम्स के बीच में होती है जिसमें आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो लूज होते हैं, मतलब लूजली वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इनमें अरेंज होते हैं। तो जो मेटल्स होते हैं, जो धातु होते हैं, उसमें क्या होता है, जो आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसमें बहुत सारे होते हैं मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से क्या होते हैं, आपके जो इसके पॉजिटिव आयंस होते हैं ये एक दूसरे से बंधे रहते हैं या एक दूसरे से चिपके रहते हैं ग्लू की तरह। तो इन इस बॉन्डिंग को क्या बोलते हैं, इस बॉन्डिंग को आप बोलते हैं मेटेलिक बॉन्ड्स। तो यहाँ पे एक देख सकते हैं आप, इन मेटेलिक बॉन्ड्स एटम्स गिव देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म क्लाउड। तो इसमें क्या होता है, जो एटम होता है वो अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को दे देता है और वो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूरे लैटिस में घूमते रहते हैं चारों तरफ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म क्लाउड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जिसकी वजह से इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का क्लाउड बन जाता है। तो जब हर एटम जो होता है वो अपने अपने फ्री इलेक्ट्रॉन्स दे देगा तो क्या होगा, वहाँ पे एक क्लाउड बन जाएगा एटम्स का, जिसकी वजह से क्या होगा, एटम्स के जो पॉजिटिव आयंस होते हैं वो आपस में चिपके रहेंगे और बीच में जो गोंद का काम कर रहा होगा वो क्या कर रहा होगा, इलेक्ट्रॉन का क्लाउड काम कर रहा होगा, और जो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसी की वजह से जो होता है धारा का प्रवाह होता है। तो अगला जो हमारा टॉपिक है ये है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी वो वेलोसिटी होती है जब कोई भी इलेक्ट्रॉन एक एंड से दूसरे सिरे में किसी भी मेटल लैटिस से जाता है एक गति के साथ, और ये गति कब आती है, जब इस लैटिस में आप क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं। तो इसको डिटेल में जानने के लिए, ड्रिफ्ट वेलोसिटी को आप डिटेल में जानने के लिए हमारे वीडियो को, जो नेक्स्ट वीडियो है उस वीडियो को एक बार अच्छी तरीके से देखें, क्योंकि उसमें हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी और आपका जो करंट होता है उसके बीच में एक डिटेल्ड एनालिसिस किया हुआ है, और उस वीडियो में आप जानने के बाद ये देख पाएंगे कि इसमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है और ड्रिफ्ट वेलोसिटी किन किन पैरामीटर्स पर डिपेंड करती है, और जो आपके मेटल आयंस होते हैं ये आपके कैसे बिहेव करते हैं जब आप इनको एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें जिससे कि आप इसके फर्दर अपडेट्स मिस ना कर पाएँ,